हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राजस्थान कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं निशा सैनी आज फिर अपना टॉपिक के साथ, जो प्रीवियस क्लास में रहा था बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था, विटामिन्स, जो एकदम फुली ट्रिक से किया था। तो स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन जो बच्चे नए हैं, जो सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं, ध्यान रखिए वो पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और जितने भी इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल साइट हैं, और सभी पे आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, विटामिन की बात करते हैं। पहला थोड़ा सा प्रीवियस का मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। इसकी खोज मैंने बताई थी, मेरे नाम से याद रखना, इसकी खोज किसने की थी, एन आई लूनिन ने की थी। कब की थी, 1881 में की थी। कब की थी, एन आई लूनिन ने 1881 में की थी। किसकी खोज की थी, विटामिन की। लेकिन मैंने बताया था मेरा नाम नहीं आया, तो किसका नाम रखना भाई, निशा। मैंने बताया था जैसे फर्स्ट लेटर है एन आई, तो यही क्या होगा, वैज्ञानिक का नाम हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में नाम नहीं आए भाई मैडम का, तो किसी और की उम्मीद कर लेना। अब ये मत है कि और किसी और, पता नहीं कौन आएगा, तो ध्यान रहे कोई साइंस का ही टीचर आएगा, तो किसी और की आशा करनी है। आशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉप, और हॉप से क्या बन जाएगा, हॉपकिंग्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हॉपकिंग्स। तो विटामिन की खोज किसने की, एन आई लूनिन ने। लेकिन लूनिन अगर ऑप्शन में नहीं हो तब क्या करना है, हॉपकिंग्स करना है। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होती है उनमें हॉपकिंग्स ही आपको मिलेगा। लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम में एन आई लूनिन भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन है, प्रेफर किसको दिया जाता है, एन आई लूनिन को दिया जाता है। यहीं पर अगर बात की जाए, हॉपकिंग्स ने विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसकी, विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, नामकरण अपन ने देखा था 1911-12 में किया था, 1911-12 में किसने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। इनका पूरा नाम क्या था, सी फंक। और ये वही फंक नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, चावल के छिलके से विटामिन B1 की खोज की थी। किसकी खोज की थी, विटामिन B1 की खोज की थी। तो ये था अपना कल का बेसिक। यहाँ से आगे बात करते हैं अपन, विटामिन को दो भागों में अपन ने डिवाइडेड किया था। पहला था अपना जल में घुलन, वसा में घुलनशील। तो मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखिएगा, जल में घुलनशील कौन सा था, मैंने कल बताया था आपको, नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर, कि पानी में डूब गई क्या भाई, जल में डूब गई थी बीसी, और क्या था, अधिकर। अधिक की मैंने स्पेलिंग बताई थी आपको, कैसे लिखते, अधिक। तो ये ADEK, ये किस में थे, वसा में घुलनशील विटामिन थे। उसके बाद में विटामिन के वैज्ञानिक नाम बात की थी अपन ने। वैज्ञानिक नामों में मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको, रथ एक टॉफी है। विटामिन के वैज्ञानिक नामों की ध्यान रखिएगा, ये विटामिन ABCDE और के विटामिन। ए से क्या हो जाएगा, र से क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। और थ से क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। जबकि क से क्या हो जाएगा, कैल्शिफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शिफेरॉल हो जाएगा। वहीं पर बात की जाए टो से, तो क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। और फी से क्या हो जाएगा, फिनोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनोक्विनोन हो जाएगा। या इसको क्या नाम दिया था अपन ने, नेफ्थोक्विनोन नाम दिया था। क्या दिया था, नेफ्थोक्विनोन नाम दिया था। तो ये थे विटामिन के वैज्ञानिक नाम। और आपको और भी डिटेल से पढ़ना है तो अपना प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए आप, ठीक है। तो चलते हैं इसकी आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आज के टॉपिक रहेगा इसी के अंदर, अपन ने कल वैज्ञानिक नाम तक पढ़ लिया था, अब बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ध्यान रखिएगा, कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, भाई इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
विटामिन की बात की जाए तो मैंने बताया था विटामिन के और विटामिन डी अपन अगर रेगुलर यूज ना भी करें तो क्या होता, अपना शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है, लेकिन कुछ विटामिन होते हैं, बाकी सभी विटामिन ए डी और के को छोड़कर सभी विटामिन अपने को किससे, भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं। इनकी कुछ मात्राएं लेनी पड़ती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए विटामिन की तो अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा रोग हो जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आना ही है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको पूरा टॉपिक किससे करवाऊंगी, ट्रिक से करवाऊंगी। तो चलिए गाना बताते हैं, आपको सुना भी होगा, ध्यान रखिएगा, श्रीदेवी का गाना समझने का भी याद मत करिएगा, सर्च मत करिएगा, क्योंकि श्रीदेवी की डेथ हो चुकी है, ध्यान करोगे तो वापस आ जाएगी। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको गाना। तो इसका गाना है भाई रात वेरी सवरी बचपन। अब देखो बचपन पिया था जो अपन यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अपने को क्या रखना है, ट्रिक बनानी है, तो बचपन रथ कर दिया, ध्यान रखेगा। अगर बात की जाए गाने की लाइनें, रात वेरी सवरी बचपन पिया ऐसे कुछ है, तो अपन ने इसको काट के क्या कर दिया, रथ कर दिया। तो चलिए ABCD तो आपको आती है, तो चलिए स्टार्ट करते। बेटा ए हो गया, BCD ई और के, ये सारे विटामिन हो गए। तो विटामिन ए का मतलब रात भाई, रात का मतलब रात होते दिखना बंद, यानी जैसे शाम के 6 बजेंगे भाई, ध्यान रखिए किसी को 6 किसी को 7, 12 घंटे दिखता है भाई, 12 घंटे उनको दिखना बंद हो जाता है। जैसे शाम के 6 बजते हैं विटामिन ए की कमी वाले व्यक्ति को एकदम दिखना बंद हो जाता है, जैसे दोबारा सुबह 6 बजेंगे उसको दिखना वापस शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा रोग है ये, तो चलिए बात करते हैं। रात से क्या हो जाएगा, रतौंधी रोग। कौन सा हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। कौन सा है, रतौंधी रोग। अगर यही से आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसके अलावा कौन सा रोग हो जाता है, जीरोफथैलमिया रोग हो जाता है। कौन सा, जीरोफथैलमिया, ध्यान रखिएगा, जीरोफथैलमिया, वो भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग का मतलब है रात होते शाम होते, यानी कि दिन छिपने के बाद में इस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं एक रोग और हो जाता है जिसका नाम है जीरोफथैलमिया। अब आप सोचोगे जीरोफथैलमिया रोग कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होती है, आँखों का पानी सूख जाता है, और आँखें क्या होती है, नेत्र गोलक जो होते हैं भाई, आँखों की बात की जाए इस तरीके की होती है, तो ये नेत्र गोलक क्या हो जाता है, इस तरीके से बड़ा होकर फूल जाता है, जैसे आंखें लगती है बाहर निकलने वाली, ध्यान देखिए निकलती नहीं है, लगता है ऐसा फील होता है कि बाहर निकलने वाली है, तो आंखों का पानी सूख जाता है और आंखें क्या होती है, मोटी होकर बाहर निकलने जैसे लगती है। कौन से रोग में, जीरोफथैलमिया में, और रतौंधी में रात को दिखना बंद हो जाता है। वेरी से क्या होगा भाई, वेरी वेरी रोग, ध्यान रखिएगा, कुछ बुकों में इसको बेरी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, एग्जाम में ऑप्शन आ कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑप्शन आते, ध्यान रखिएगा आपको तो ओनली राइट करना है, बेरी हो तो भी राइट कर देना, हो सकता है स्पेल लिखने में कोई मिस्टेक हो, तो बेरी या बेरी, जिन बच्चों ने बेरी पढ़ा है बिल्कुल सही बात है, और जिन्होंने बेरी पढ़ा है वो भी सही है, तो बेरी वेरी रोग हो जाता है, मतलब देख के धड़कने क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसके बाद में सबसे क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रहे, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग है, स्कर्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। KVS एग्जाम जो लगी थी उसके अंदर ये पूछा गया था विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। इसके साथ ये रेलवे में लगभग ऑल एग्जामों में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में एक एक बार जरूर पूछा गया है स्कर्वी के बारे में, तो स्कर्वी को तो आप रट लेना अच्छे से, ये विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। तो वही बात करते विटामिन डी, डी का मतलब री से क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, रिकेट्स रोग हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये रिकेट्स रोग कौन सा होता है, मैंने बताया था विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य की धूप से मिलता है, जिसे अपने को खाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर धूप में खड़े होते क्या हो जाएगा, अपने को धूप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि रिकेट्स रोग किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो रोग है वो छोटे बच्चों में होता है, किसमें होता है, छोटे बच्चों में होता है। अब आप ये मत सोचना आप भी बच्चों
बच्चे हो लेकिन आप बड़े हो चुके हो। भाई कंपटीशन की एग्ज़ाम की बात की जाए तो 18 से जो एज कम है बच्चे वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कंपटीशन की तैयारी ज़रूर कर सकते हो, बाकी देने वाले 18 ध्यान रही 18 साल के बाद में, तो आप बड़े हो चुके हो तो बड़े बच्चों में नहीं होता, छोटे छोटे बच्चों में होगा। तो इसमें क्या होते हैं बच्चों में, छोटे बच्चों के क्या होते हैं दांत के मसूड़े जो होते हैं फूलने लग जाते, दांत टूटने लग जाते, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। किस रोग के अंदर? रिकेट्स रोग के अंदर। वही अपनी बात की जाए तो अपने में क्या रोग होगा, वही बुढ़ापे में रोग होगा एक, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ध्यान रखिएगा ऑस्टियोफोरोसिस रोग दूसरा है जिसमें दांतों पे क्या होते पीली परत जम जाती है, ध्यान रखिएगा। उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऑस्टियोफोरोसिस रोग की, ऑस्टियोमलेशिया रोग की। कौन सा होगा? ऑस्टियोमलेशिया, याद रखिएगा मलेशिया से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑस्टियोफोरोसिस रोग अलग होता है जिसमें दांतों के ऊपर पीली परत चढ़ जाती है। ऑस्टियोमलेशिया रोग को अपन क्या कहते हैं? बुढ़ापे का रोग भी कहते हैं। जैसे बात की जाए अपन अभी तो अपन 10 रोटी भी, 10 तो नहीं खा सकते, चलो 5 रोटी आराम से खा सकते हो आप, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन ले सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो क्या होगा, अभी पाचन सिस्टम जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। यानी कि अगर आप अभी 3 रोटी खा रहे हो तो में आपको क्या होगा भाई, 2 ही रोटी खा पाओगे, 2 भी क्या, 1 रोटी से ही आपका काम चल जाएगा। और ध्यान रखिएगा ज्यादा धूप भी सहन नहीं कर पाओगे तो उससे क्या होगा भाई, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। और कौन सा रोग हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया रोग। अब आप सोच रहे हो ऑस्टियोमलेशिया रोग में क्या होगा, इतना खतरनाक रोग होता है कि अगर आप इस रोगी को अगर हाथ भी अगर कस के पकड़ लिया तो उसकी यहीं से हड्डियां क्या होगी, टूट जाएगी। यानी कि उसकी सारी हड्डियां बहुत ही भंगुर होने लग जाती है और टूटनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर एक बारी हड्डी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आपको पता उसके बारे में व्यक्ति चल नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने निकाल दे, अच्छी बात है। अब ये मत बोलना कि मैडम 6 ही महीने निकालता है कि 7 महीने, क्यों नहीं भाई, कितने ही महीने निकाल सकता है, लेकिन हड्डियां टूटने के बाद में उसके जीने की संभावना क्या होती है, कम होती है, अगर रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होती है वो टूटने के बाद में। तो ये बहुत ही खतरनाक रोग है जो अपने में हो सकता है अगर विटामिन डी की कमी हुई तो। इसलिए आपको दूध का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा दूध का सेवन का भी तरीका होता, मैं आपको जल्दी से एक नोट बता देती हूँ। दूध के अंदर का अपन चीनी डाल के पीते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन अपने को उसके जो विटामिन सब मिनरल्स है वो उसके नष्ट हो जाते, इसलिए बिना चीनी का दूध ही पीना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगे नहीं तो भाई चीनी खा के बाद में पी लो, क्या दिक्कत है, बाकी अपने को विटामिन चाहिए क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है भाई, विटामिन डी भी पाया जाता है आपको, तो इसके लिए अपने को दूध का इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑस्टियोमलेशिया रोग में क्या होगा, हड्डियां बंगुर होकर टूटने लग जाती है। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं बचपन, ये बचपन नहीं है भाई, बांझ है, बचपन से क्या हो जाएगा, बांझपन। इसके अलावा पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में क्या हो जाए, नपुंसकता। इसके अलावा बात की जाए लकवा, किस रोग की वजह से, विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाता है। अब बात की जाए बांझपन यानी इनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते, नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होते हैं। और लकवा की बात की जाए यानी कि पैरालिसिस भी किस रोग की कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई, ध्यान रखिएगा। बांझपन, नपुंसकता, लकवा ये सब किसके कारण है, या फिर जननांगों में कमी आना, ध्यान रखिएगा जननांगों में कमी आने का रीजन भी क्या है, विटामिन ई की कमी होती है, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से ये रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की, और रक्त से क्या होगा, र से हो जाएगा रक्त, क्या हो जाएगा रक्त, और थ से थक्का, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ध्यान रखिएगा रक्त का थक्का नहीं बनता। इसका मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे नहीं बनता, मान लो अपने चोट लग गई, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसको कस के पकड़ ले तो रक्त क्या होता है, रुक जाता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब अपन चोट लग जाती है अगर उसको दबाते हैं तो क्या होगा, इस तरीके की संरचना बन जाती है और इस चालियों में क्या होता है, रक्त रुक कर फंस के क्या होता है, रुक जाता है। इसको बोलते हैं रक्त स्कंदन या ब्लड कोटिंग। और जिनमें विटामिन के की कमी होती है उनमें ऐसी संरचना नहीं बन पाती है तो उनका रक्त लगातार बहता रहता है। आपने एक रोग और पढ़ा होगा, अनुवांशिक रोगों में पढ़ाऊंगी मैं आपको, हीमोफीलिया रोग। कौन सा? हीमोफीलिया रोग, ध्यान रखिएगा मैं यही बता रही हूं आपको, हीमोफीलिया
रोग, हीमोफीलिया जो रोग है, ध्यान रखिएगा इसे शाही रोग भी कहते हैं। शाही मतलब राजा महाराजाओं का रोग है। क्यों भाई राजा महाराजाओं का रोग? अपने को भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये एक जेनेटिक्स रोग है, ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया को शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले किसमें हुआ था? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिसे विक्टोरिया कहा जाता है, महारानी विक्टोरिया या एलिजाबेथ में सबसे पहले ये हुआ था, इसलिए क्या कहते हैं इसे शाही रोग भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोग, उसमें क्या महारानी का रक्त नहीं रुकता था? तो ध्यान रखिएगा, उनके बेटे का नहीं रुकता था, क्योंकि वाहक कौन होते इस रोग की? वाहक होती है यानी फैलाने वाली कौन होती है भाई? महिला होती है। लेकिन रोगी कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, रोगी होता है पुरुष। कौन होता है? पुरुष होता है। और ज़्यादातर रोगों में क्या होते हैं भाई, जो अनुवांशिक रोग होते हैं उनमें रोगी कौन होता है? पुरुष ही होता है। फैलाने वाली कौन होती है? माता होती है, यानी कि महिला होती है। महिला के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है, लेकिन रोगी कौन होता है? पुरुष होता है। इसे शाही रोग भी कहते हैं। ये एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स रोग भी है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता जाता है। तो घबराइएगा मत भी, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें, रोग छोटे छोटे हैं, आपको ओनली पढ़ना है इनको, ठीक है? ज़्यादा इनके बारे में फीलिंग नहीं रखनी है, बस नॉर्मल, ठीक है? आप ट्रिक याद करिएगा, एग्जाम में आपका काम बन जाएगा। जो बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो घबराइएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा। यहाँ पर जितनी साइंस की, रीजनिंग की, मैथ्स की, जीके की जितनी भी क्लासेस लगती है, सारी कंप्लीट आप देखिएगा, और स्टार्टिंग से एंड तक की वीडियो को आप कंप्लीट देखा करिए। उसके अलावा आपके तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इनको पूरा कंप्लीट देखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन कंफर्म बाहर नहीं जाने वाले, मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल से करवाऊंगी, ठीक है? तो आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिरोफ्थैल्मिया। बी की कमी से बेरीबेरिया, बेरीबेरिया की बात है, ध्यान रखिए बुकों में बेरीबेरी लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं, हृदय की धड़कने तेज हो जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाता है? रिकेट्स रोग। क्वेश्चन आता है रिकेट्स रोग जो है वो किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है, यानी कि उनमें क्या होती है, हड्डियां कमजोर होती है, होने लगती है, और मसूड़े क्या होते हैं, उनके मसूड़ों में खून आने लग जाते हैं, ठीक है? और विटामिन डी की कमी से बड़ों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग। दोबारा बोल रही हूँ, ऑस्टियोफोरोसिस में क्या होते हैं? दांतों पर पीली परत जम जाती है। ऑस्टियोमलेशिया रोग में क्या होता है? हड्डियां भंगुर होने लग जाती है और टूटने लगती है। विटामिन ई की कमी से बांझ पर नपुंसकता, लकवा पड़ने लग जाता, साथ में ही जननांगों में कमी आ जाती है, जनन क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर होने लगती है। इसके बाद में विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ध्यान रखिए। और हीमोफीलिया जो रोग होता है ये एक शाही रोग है, जिसमें भी क्या होते हैं, विटामिन के की सदैव कमी रहती है। तो ये थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। जल्दी से इसको फटाफट, आप जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, ध्यान रखिए सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, इसके साथ में से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, जिन्होंने विटामिन का पार्ट वन नहीं देखा है, वो पहले पार्ट वन देखेगा, क्योंकि पार्ट वन जब तक नहीं देखोगे पार्ट सेकंड समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो विटामिन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक और बता देती हूँ मैं आपको भाई। विटामिन के मैंने मुख्य विटामिन के वैज्ञानिक नाम आपको बता दिए, इसके अलावा मैंने आपको वैज्ञानिक नामों के अलावा मैंने आपको बताया है कमी से होने वाले रोग भी बता दिए। तो अब आपका बसता भाई मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य स्रोत की बात की जाए तो अन्य स्रोत तो जैसे अंडा है, अंडा सभी में पाया जाता, दूध है सभी में पाया जाता, केवल किसको छोड़कर दूध नहीं पाया जाता? कौन से विटामिन में, कौन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, कमेंट में लिख के फटाफट जल्दी से बताइएगा भाई, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तब तक मैं आपको अगली ट्रिक बताती हूँ विटामिन के मुख्य स्रोतों के। मुख्य स्रोत ध्यान रखिएगा, ये मुख्य स्रोत मैं वह बता रही हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम में ऑप्शन पर डिपेंड करेगा भाई, ध्यान रखिएगा, तो वो भी मैं आपको अभी जस्ट बताती हूँ। तो चलिए बात करते हैं मुख्य स्रोत की। तो उसके लिए ट्रिक है जीपी आव किरण सोली,
भाई ये जो ट्रिक है ये अपनी कुछ कोचिंग के स्टूडेंट की बनाई हुई ट्रिक है, तो मैं आपको वही ट्रिक लिखवा रही हूँ। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। हर चीज़ को पढ़ने का तरीका होता, आप अपने खुद के तरीके से पढ़ाई करो। आपने कंप्लीट वीडियो देखा, उसके बाद में आप अपने उसको क्या कीजिए, माइंड के अंदर रिकॉल कीजिएगा। उसके बाद में आपकी ऑटोमेटिक ट्रिक बननी स्टार्ट हो जाएगी, ऑन द स्पॉट आपके याद होने स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, वही विटामिन ए बी सी डी ई और के। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत जी से क्या होगा, गाजर। क्या हो जाएगा, गाजर जानते हो ना, गाजर की बात करें तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर खाएंगे तो अपने को विटामिन ए मिल जाएगा, यानी कि अपनी आंखें बहुत ही स्वस्थ रहेगी अगर गाजर का आप सेवन करते हो तो। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं विटामिन बी पी से क्या हो जाएगा, पालक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सब्जियों में सर्वाधिक अगर बात की जाए लोहे की मात्रा पालक में पाई जाती है। फलों में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है सेब में। कैसे देखोगे, सेब के अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो ध्यान रहे सेब को काटोगे थोड़ी देर बाद में उसका कलर क्या होगा, ब्राउन होने लग जाता है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, उसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है पालक। और आंव से क्या हो जाएगा भाई, आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, आंवला। और विटामिन डी का किरण, भाई किसकी किरण, आपकी किरण की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सूर्य की किरण की बात कर रही हूँ। किसकी है ये, सूर्य की किरण, यानी कि धूप की जो किरण होती है उसकी बात करें, यानी सूर्य की किरण। तो विटामिन डी से अपने को क्या मिलता है, सूर्य की किरण। विटामिन डी अपने को सूर्य की किरण से प्राप्त होता है, यानी कि धूप से प्राप्त होता है। सो से क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखें, कुछ बच्चों के डाउट है कि सोयाबीन नहीं है भाई, हमने तो और भी कुछ पढ़ा है, मछली वगैरह पढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर सोयाबीन मुख्य स्रोत माना गया है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ली से क्या हो जाएगा, लीवर। भाई मनुष्य का लीवर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मछली का लीवर है। किसका है, मछली का लीवर। अब लीवर की बात की जाए तो लीवर को अपन क्या कह सकते हैं, यकृत कह सकते हैं, और यकृत को ही अपन क्या कह सकते हैं, जिगर कह सकते हैं। ध्यान रखिए, क्या कह सकते हैं, जिगर। जिगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा अपना जो लीवर होता है वही जहर का पाचन करता है। आपने सुना होगा काफ़ी फिल्मों में एक डायलॉग आता है कि भाई किसी भी काम करने को लोग क्या होना चाहिए, भाई जिगर होना चाहिए। तो जिगर यही है, ध्यान रखिएगा, जो आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र जब पढ़ाया जाएगा तब इसको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, मछली के लीवर से अपने को विटामिन के प्राप्त होता है, और विटामिन डी अपने को किससे, सूर्य की किरण यानी कि धूप से प्राप्त होता है। इसके अलावा विटामिन ई किससे प्राप्त होता है, सोयाबीन से प्राप्त होता है। विटामिन सी की बात की जाए तो आंवले से प्राप्त होता है। विटामिन बी पालक से प्राप्त होता है। विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है। अब आपको मैंने ये ओनली मुख्य स्रोत बताए, अब बात की जाए दूध की बात की जाए, विटामिन ए भी दूध से प्राप्त, दूध में विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, और के भी प्राप्त किया जा सकता है। केवल कौन सा नहीं मिलेगा, विटामिन सी नहीं मिलता है, क्योंकि दूध में विटामिन सी मिलेगा तो दूध फट जाएगा, भी खट्टा होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, किस दूध में विटामिन सी पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, खट्टा होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन सी ऊँटनी के दूध में पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। ऊँटनी के दूध से क्या होता है, ध्यान रखिए, जिसके सांस की प्रॉब्लम होती है उसकी सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और जिसकी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। साथ में ध्यान रखिए, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में ध्यान रखिएगा, जिनके सांस लेने में दिक्कत हो रखी है, जिनको दमे की प्रॉब्लम होती है, वो उनको सेवन घुटनी के दूध का सेवन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे किसके विटामिन के मुख्य स्रोत। इसके अलावा हरी सब्जियां हो जाएगी, पालक हो जाएगा, पत्तेदार सब्जियां हो गए, अंकुरित अनाज हो जाएगा, अंडे ध्यान रखिएगा, शाकाहारी में मानते हैं, मांसाहारी में नहीं मानते, कुछ लोग इसे मांसाहारी में मानते हैं, लेकिन अंडे से अपने को सारे टोटल विटामिन मिल जाएंगे, 13 के 13 विटामिन अपने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मांस हो गया, मछलियाँ हो गई, अंडे हो गए, इनके द्वारा भी अपने को क्या मिलता है, सभी के सभी विटामिन मिलते। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस की बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मछली के तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मछली का लीवर बताया, लेकिन
क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, मछली के तेल से कौन सा विटामिन, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी प्राप्त होता है। जिन बच्चों ने राजस्थान पुलिस की एग्जाम दी थी पिछली, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मछली के तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अपनी कॉपी में से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट करके कर लेना कि मछली के तेल से विटामिन डी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कुछ वो क्वेश्चंस की, विटामिंस की, जो एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, सीधा आपको उनको कॉपी के अंदर लिखना ही पड़ेगा। भाई ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखना नहीं चाहो तो वीडियो को दो तीन बार आप रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो अभी तक 2016, 17, 18, 19 अभी तक एग्जामों में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो मैं आपको सारे के सारे एक साथ बताती हूँ विटामिन वाला। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, भाई क्वेश्चन आता सौंदर्य का विटामिन। यानी कि ब्यूटी विटामिन कौन सा है, सौंदर्य का विटामिन की बात की जाए तो ब्यूटी विटामिन कौन सा। आपने देखा होगा भाई क्रीम की बात करते हैं, चाहे फेयर लवली हो या फेयर एंड हैंडसम हो, बाकी देखा जाए तो सबसे इनका यूज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, फेयर लवली हो चाहे फेयर एंड हैंडसम हो, उसमें एक एड दिखाते हैं कि 7 दिन के अंदर चेहरा क्या निकल आएगा, भाई एकदम गोरा निकल आएगा। अब गोरे का तो पता नहीं, वो ऐड जरूर 7 दिन का दिखाते हैं। तो उस ऐड के अंदर देखो एक ऐसी पानी की सी बूंद होती है, ड्रॉप होते हैं, जिसके अंदर विटामिन ई का ऐसे ई वाला पोर्शन दिखाते हैं और बोलते हैं 7 दिन में क्या होगा, एकदम चेहरा क्या निकल आएगा, गोरा निकल आएगा। यही क्या है फेयर लवली का कमाल, और यही किसका है भाई, फेयर एंड हैंडसम का होता है। तो भाई ये क्यों लगाते हैं, वही आजकल तो कोकोनट की बात कर ले, कोकोनट ऑयल के अंदर भी ये पानी का ड्रॉप सा दिखाते हैं, यही बॉडी लोशन हो गया। तो इन सब के अंदर क्या दिखाते हैं, विटामिन ई बताते हैं। तो मतलब सौंदर्य का ब्यूटी प्रोडक्ट कौन सा हो गया, विटामिन ई को बोलते हैं। क्या ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, फेयर लवली में, फेयर एंड हैंडसम में, या फिर आपके जेल में, या जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है उनमें पाया जाता है, क्या इसलिए इसको सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्यूटी कभी भी चेहरे की सुंदरता से नहीं होती है। ब्यूटी का मतलब होता है चेहरा कैसा, ये कलर कैसा, जो इंसान बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, वो हर इंसान क्या है, बहुत सुंदर होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति की देन होती है, तो कलर कभी भी किसी की ब्यूटी डिपेंड नहीं करता है। इसे सौंदर्य का विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई, विटामिन ई की कमी हो गई, तो ध्यान रखिएगा इससे नपुंसकता का कारण हो जाता है, इसमें बांझपन का कारण हो जाता है, जननांगों में कमी आ जाती है, और साथ में ही ध्यान रखिएगा लकवा पड़ जाता है। ब्यूटी उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्यूटी कलर को कभी ब्यूटी नहीं कहते, ध्यान रहे, ब्यूटी का मतलब है इसकी वजह से क्या आ जाता है, लकवा पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कोई बहुत सुंदर है दिखने में, बहुत ज्यादा, मत आप जीके में पढ़ते हो पद्मिनी के बाद बारे में, बोलते हैं कि पानी पीती थी तब भी दिखता था, ऐसा हो नहीं सकता, ओनली इमेजिनेशन है। ध्यान रखिएगा, तो उनके लिए कहते हैं अगर उसको वो देख नहीं सकती, मान लो सपोज करो वो बोल नहीं सकते, दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या वो ब्यूटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा इसकी कमी से क्या होता है भाई, ऑर्गन्स यानी कि जननांगों में कमी आ जाती है, नपुंसकता का कारण होता है, बांझपन का कारण होता है, शारीरिक विकार उत्पन्न होने लग जाता है, इसलिए इसे सौंदर्य का विटामिन ही कहा जाता है। तो इसलिए बोलते हैं बाकी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में भी ये पाया जाता है। और जिनके भाई एक और खास बात, एक छोटा सा मैं बता देती हूँ, हालांकि मैं साइंस पढ़ा रही हूँ आपको, टॉपिक से अलग बता देती हूँ, जिनके भाई बाल उड़ते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन में देखा जाए तो 90% लोगों के क्या है, सर के बाल ही उड़ गए, ठीक है, ज़्यादातर जेंट्स के उड़ते, लेडीज़ के तो बहुत कम देखे होंगे, हालांकि आगामी 20-25 साल में तो सबके इक्वल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो उड़ रहे हैं तो उसका भाई ध्यान रखिएगा, विटामिन ई के कैप्सूल का यूज़ करें, उससे क्या होगा, आपके बाल झड़ने एकदम कम हो जाएंगे। कोई भी ऑयल लो, सरसों का ऑयल लो, उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स का ऑयल डालो, उसका इस्तेमाल करो, आपके बाल झड़ने एकदम से कम हो जाएंगे। आप दो बार भी इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद में आपके एकदम से झड़ने कम हो जाएंगे। तो ये थी एक ब्यूटी ट्रिक जो मैंने आपको छोटी सी बताइए, ठीक है। तो इसीलिए आप जल्दी से इसको शेयर कर दो, इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है। जितने भी लोग अभी इसको देख रहे, जो भी स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़ जो भी देख रहे, तो वो सभी के सभी फटाफट इसको लाइक कर दो। तो चलिए आगे बात करते, मैंने बताया विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का कारण हो जाता है, इसीलिए विटामिन ई को क्या कहा जाता है, पुरुषोत्व
का प्रतीक भी कहते हैं, ध्यान रखिए। पुरुषोत्तम का प्रतीक किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। इसके अलावा पुरुषोत्तम का प्रतीक भी किसे कहते हैं? विटामिन ई को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। तो सूर्य का विटामिन कौन सा हो गया भाई? विटामिन डी हो जाएगा सूर्य का विटामिन। सूर्य से अपने को धूप मिलती है, इसलिए धूप का विटामिन भी से कहते हैं। या इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम और आ जाता है इसका, सनशाइन विटामिन। क्या आता है? सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन विटामिन भी किसे कहते हैं भाई? विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहा जाता है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, यकृत की बात की थी मैंने अभी। यकृत जिसको अपन क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। ध्यान रखिए, जिसको क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? दिल का टुकड़ा भी कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिल का टुकड़ा किसे कहते हैं? दिल का दिल तो किसे कहते हैं? पेस मेकर को, यानी कि हृदय का हृदय तो पेस मेकर को, लेकिन दिल का टुकड़ा मैंने बोला था। कुछ बच्चों ने ऐसे कमेंट किए तो ध्यान रखिए, मैं उन टुकड़ों की बात नहीं कर रही। आप अपनी मम्मी के टुकड़े हो चाहे किसी के हो, यहाँ तो कौन सा है भाई? यकृत है। इसे ही बोलते हैं, दिल का टुकड़ा भी कहा जाता है। या क्या बोल सकते हैं इसे? यकृत बोल सकते हैं, जिगर बोल सकते हैं, लीवर बोल सकते हैं। तो लीवर से कौन से विटामिन का प्राप्त होता है या कौन से विटामिन का निर्माण होता है? तो इससे अपने को विटामिन ए का निर्माण होता है। यकृत से ध्यान रहे, कौन से विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए का निर्माण होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है, कैंसर रोधी, कैंसर रोधी जिसे अपन क्या कह सकते हैं? संक्रमण रोधी। तो कैंसर रोधी या संक्रमण रोधी विटामिन भी किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन पुटअप किया था, दूध में एकमात्र विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, दूध में एकमात्र विटामिन कौन सा भाई? ये तो लगभग बच्चों को पता है, रट रखा है, तभी तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। इसको मत याद करना चाहे, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला, बहुत बार पूछ लिया है। एकमात्र विटामिन नहीं पाया जाता कौन सा? विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? सी। लेकिन ऊटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान दें। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, विटामिन सी की बात की जाए। और ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी होगी तो चेहरे पे फुंसियाँ स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चेहरे के ऊपर फुंसियाँ स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ भी शरीर पे क्या हो गए? व्हाइट कलर के दाग स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन आप दही का सेवन करें, खट्टे पदार्थों का सेवन करें, अदरवाइज एक नींबू का सेवन तो करना ही चाहिए। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी बढ़िया बनेगा, पाचन तंत्र भी, और आपके क्या होगा? चेहरे पे कोई फुंसियाँ वगैरह नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन विटामिन। अब भाई बात करते हैं हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? हार्मोन होता क्या है भाई? जैसे बात की जाए हार्मोन की, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो अभी आप शांति से आराम से क्लास पढ़ रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, मान लो किसी के पास में कोई झगड़ा हो रहा है, तो क्या आपकी एनर्जी यही रहेगी? क्या आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक क्या होगी? बढ़नी जाएगी। तो एनर्जी कौन बढ़ाता है? ध्यान रखिए, हार्मोन ही बढ़ाते हैं। चेहरे पर मान लो या कहीं पर भी तिल हो जाते हैं, तो तिल का कारण भी क्या है? हार्मोन भी क्या होते हैं? शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, किसके कारण? हार्मोन्स के कारण होती हैं। बाल झड़ने स्टार्ट होते हैं, हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु। तो ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट धातु मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको, विटामिन बी 12 में पाई जाती है। महिला सुपरवाइजर 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बी 12 में कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। बी 12 का नाम क्या है? साइनो कोबालिक अम्ल। क्या है? साइनो कोबालिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, महिला सुपरवाइजर में इसका प्रत्येक चिन्ह ही आया था, नाम नहीं आया था। कोबाल्ट धातु CO पाई जाती है, बी 12 के अंदर पाई जाती है। हार्मोन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। कैंसर रोधी, संक्रमण रोधी विटामिन ए को कहते हैं। सौंदर्य यानी ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन के को, सॉरी ई को कहते हैं। पुरुषोत्व का प्रतीक भी किसे कहते हैं? ई को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने सबका रीजन आपको बताया। इसके बाद में अगर आप बात की जाए, आर्मी में पूछा गया था पिछले से 2000 लगभग 12-13 के है, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन उसमें पूछा गया था कि पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ध्यान रखिएगा, पांडु रोग,
तो ध्यान रखिएगा, पांडु रोग B12 की कमी से ही होता है। किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से होता है। इसके साथ में ही ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो विटामिन है, विटामिन अपने को अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रही, क्योंकि मैंने इसके सारे रोग आपको बताए। आई होप आप सभी को क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और नहीं आई तो भाई इसको स्टार्टिंग से दोबारा देखिएगा, कन्फर्म आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, जाते जाते क्लास एंड करने से पहले आपको तीन काम जिन्होंने नहीं किए फटाफट कर दीजिएगा। इसे लाइक सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, डबल वर्ड क्लिक मत कर देना, एक ही वर्ड करना है, ठीक है, वरना वापस से क्या हो जाए, रिमूव हो जाएगा। लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ओके, थैंक यू।